अंजलि जवाब दो, क्यों नहीं कर सकते हम ये शादी? क्योंकि तुम 10 साल से लापता थे रोहित, अब पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। अफसोस है मुझे। कट यार, साइलेंस समझ में नहीं आता क्या, किसका फोन बज रहा है? I'm really sorry, but I have to take this call. कर लो यार लंच ब्रेक। सॉरी यार, वो गौरव का 3-4 बार कॉल आ गया था ना, हैव टू टेक इट। कोई बात नहीं यार, वैसे अभी लंच ब्रेक हो गया, चल चल। और बता, तेरा शूट कैसा रहा? फर्स्ट फीचर फिल्म एंड ऑल? हाँ, सही था, काफी रियलिटी चेक मिला, इट वाज गुड। और तेरा सब कैसा चल रहा है? मस्त यार, रणवीर सिंह के साथ एक कमर्शियल किया, व्हाट अ गाय, आई मीन अमेजिंग। हां बात है, बहुत सही। हाउ इज गौरव? ही इज गुड, ही इज बिजी शूटिंग अ वेब सीरीज विद डाइस। यस, आई थिंक मैंने स्टोरीज देखा था। और बाकी सब कुछ सब सही? हाँ, कूल। तो कॉल की वजह से पूछ रहा है? या काफी गुस्से में लग रही थी यार तू, कैसे सर इलाके मस्त डांट रही थी बेचारे। अरे यार, वो हरकतें ही ऐसी करता है, मतलब घर की चाबी फ्रिज के अंदर भूल जाता है, फिर मुझे परेशान करता है। शादी के साइड इफेक्ट्स, यू नो, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े मारपीट, है ना? Excuse me, जैसे कि तुम्हारी और भाभी की नहीं होती है? Of course नहीं होती है, अभी ऐसी चिंदी चीजों भी तो बिल्कुल नहीं होती है। Seriously, हाँ? याद दिलाओ तुझे न्यू ईयर की पार्टी। न्यू ईयर पार्टी? मैं याद दिलाऊं क्या हुआ था? भंड होकर उसने मेरे बियर में दही डाल दी थी। हंस क्या रही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत क्यूट हो यार तुम लोग। And I miss being not married sometimes. कैसी बकचोदी करते थे ना? Why? Why did you decide to get married? Why not? We loved each other, had respect for each other's work, and most importantly, hum compatible the. Yeah, listen, can you just take that thing off your head? It's very difficult to take you seriously with that on. No, yaar, फिर से वापस 2 घंटे लगेंगे इसको लगाने के लिए. It's right there. I know. You know what I'm saying is, marriage में responsibilities से ज़्यादा complexities हैं. I mean, तुम्हें कोई चीज़ पसंद है? और उसमें तुम जबरदस्ती सीरियसनेस डाल देते हो और उसकी ले लेते हो। तो क्या प्रॉब्लम है सीरियसनेस में? तो एक चीज बता, तो अपने स्कूल में प्लेस करता था ना, तो अपने एक्टिंग में सीरियसनेस लाया, फिर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया, एंड नाउ डू यू रिग्रेट इट? नो आई डोंट, बट अगर कभी हुआ तो आई कैन ऑलवेज लुक फॉर अ चेंज, नो? शादी में इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है यार, शादी में भी पॉसिबल। ओह यस, ऑफ कोर्स, डिवोर्स। नहीं यार, अनलाइकली व्हेन यू आर डेटिंग। इन मैरिज एक डिसीजन लेने से पहले तुम 10 बार सोचते हो और चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करते हो, एंड इट यूजुअली वर्क्स आउट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स द पर्सन हु कीप्स यू गोइंग। एग्जैक्टली, आप बस कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। इफ यू रियली फील फॉर दैट समवन, इज इट रियली दैट बैड? मैम, आपका शॉट रेडी है, 10 मिनट में रोल कर ले। या चलो, आई एम रेडी। अरे सुन, तेरी शादी हो गई? नहीं बाबा, शादी तो नहीं हुई है, लेकिन यार ब्रेकअप जरूर होने वाला है। यार टाइम ही नहीं मिल पाता, 2 साल से सेक्स भी नहीं किया है। सेक्स छोड़ो, आज तो मेरा बर्थडे है, किसी ने विश किया मुझे? अरे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे यार, तू भी कमाल करता है, केक मंगा दे तेरे लिए। हाँ प्लीज। हाँ हाँ, थैंक यू, बाय। साइलेंस बोले थे साले, ऐसा पता क्या दिया कि ड्यूटी काम कर ले, रॉकेट घुसा दूंगा नहीं तो। ही जस्ट अ ड्यूटी। यस, कुछ भी हो जाए। यार तू वैसे वहां नाच क्यों रही थी? नागिन हो ना, तो डस रही थी। गॉड, काफी क्रिएटिव। वैसे तुम लोग हर रोज सेक्स करते हो? अरे आई मीन टू से कि you guys live together, so there are chances that you'll get bored of each other's company. I mean seriously, even the sex gets boring. The same cheez to tumhare live in mein bhi applicable hai.
But in marriage, we are still responsible to each other. Each other नहीं, बहुत ही needy सा लगता है। तो बाबू, you need someone to grow old with ना? अरे, living में भी तो बुढ़े हो ही रहे ना साथ साथ। For me na, when I see an old couple sitting at a corner of a food court and digging into cheesecake, I feel like I want to be that cute auntie in my 60s. मुझे भी उसी food court में होना है यार। भव्या के साथ बैठ के बियर पीना है, भंड होना, you know, fun couple की तरह। See, future तो दोनों भी सोचा है। यार तू इन सारी चीजों को लेके इतना sorted कैसे है? Sorted नहीं यार। I just have an idiot to make mistakes with. That's it. बस इनको बोला ना है बेबी को लेके जा बेबी को। हाँ तो बाबा मैं क्या बोल रहा था? एक स्क्रिप्ट में ना थोड़ा सा चेंज है। तो अभी आपकी शादी होने वाली थी। पर आपका नागिन ने डस लिया। ठीक है तो आपकी याददाश्त चली गई। तो शादी नहीं हो सकती। तो आपका तो पैकअप हो गया। तो आप जा सकते। हाँ और मैडम आपका एक कॉस्ट्यूम चेंज है। ड्रैगन का कॉस्ट्यूम लेके आओ। Dragon!